क्या एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अमूमन भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी वेपन्स, नहीं देने। ठीक है, अच्छा अमूमन पाकिस्तान तो वैसे दोस्तों ये न्यूज आ रही है कि भारत ने टर्की के साथ एक ड्रोन डील की है, जिसके बाद पाकिस्तान में इस खबर को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि भारत के अगर सबसे बड़े एनिमी कंट्री की बात करें तो आपको पता है नंबर वन पाकिस्तान आता है, दूसरा चीन आता है और तीसरे नंबर पर टर्की आ रहा था, क्योंकि टर्की कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा था। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने शायद एक नए तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई है कि टर्की को क्यों ना किसी तरीके से हम सैड करें। मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। आपको पता है ऑब्वियसली टर्की की इकोनॉमी और टर्की की हालात क्या है, टर्की की करेंसी कितने नीचे है, और अगर इस तरीके की डील उसके साथ होती है तो डेफिनेटली एक उनकी इकोनॉमी को एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, और इस तरीके की डील की उनको जरूरत भी है। और अगर वो ड्रोन ऐसे क्वालिटी के हैं जो कि एज कंपेयर टू इसराइली या एज कंपेयर टू यूएस सस्ते हैं, तो ऑब्वियसली हमें भी ये ड्रोन खरीदने चाहिए। और इससे डेफिनेटली हम अगर पाकिस्तान टर्की के बीच कुछ डिफरेंस क्रिएट करने में कामयाब होते हैं, और टर्की अगर हमारे करीब आता है, ऑब्वियसली अगर दुश्मन को आप किसी ना किसी तरीके से अगर आपको मतलब उस पर कंट्रोल पाना है, तो हर तरीके के आपको हथकंडे अपनाने चाहिए। साम नाम दंड भेद आपने सुना होगा, तो मुझे ऐसा ही कुछ सीन समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। आपको बता दूं कि टर्की एक इकलौता देश था जो पाकिस्तान के साथ हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर खड़ा था। ऐसा ही कुछ इंडिया ने डील किया था मलेशिया को, आपको याद होगा मलेशिया में एक 94 साल का उनका प्राइम मिनिस्टर था, महातीर मोहम्मद नाम था उसका। उसके बाद भारत ने क्या किया, उसके साथ जो मलेशिया के साथ पॉम ऑयल की डील थी वो कैंसिल की। मलेशिया को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, पूरा का पूरा फायदा इंडोनेशिया को हो गया। फिर मलेशिया में हुआ क्या कि आपको याद होगा कि महातीर मोहम्मद ही आउट हो गए, और उसके बाद फिर वो डील फिर से उसी मतलब तरीके से सेट होने लगी, और कश्मीर पर मलेशिया का स्टैंड बदला। तो शायद यही कुछ भारत फिर से मतलब टर्की के साथ भी करेगा, और टर्की ने अगर ऐसा कुछ स्टैंड बदला तो ये साइकोलॉजिकली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए। डेवलपमेंट है, और वो ये है कि एक टर्किश कंपनी है वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है, और ये जो ड्रोन्स हैं ये ऑब्वियसली एक कंपनी है जिसका नाम है जायरोन डायनामिक्स, और ये बेसिकली मिनी मल्टी रोटर यूएवी हैं जो कि भारत को दिए जाएंगे और अगले साल ये मिलेंगे। और इसकी जो जिसे डेमो कहते हैं, डेमो डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स जो हैं वो भी भारत के अंदर मार्च 2022 में होंगी। और ये जो जायरोन डायनामिक्स है ये एक जारी बात है अपना वो एक नई कंपनी है, और ये इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर रही थी, और इसको मुख्तलिफ वेदर्स में चेक किया गया है, डेजर्ट्स में, सहराओं में, बर्फ वाली जगहों पे जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पे, स्नो स्टॉर्म में, हर जगह पे चेक किया गया है, और इसने अपना जो है वो अपना मिलिट्री सर्टिफिकेट जो इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेट है वो ले लिया। अब इंडिया जो है ये ड्रोन ले रहा है, और ये जो ड्रोन्स हैं ऑब्वियसली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा मजे की बात ये है कि 35% जो कंपनी के जो टोटल ड्रोन हैं या जो शेयर हैं वो बेसिकली एक इंडिया बेस्ड कंपनी है डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज, उन्होंने ले ली हैं, और तकरीबन $3.5 मिलियन के। और ये जो कहा जाता है कि ये जो यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये इसकी अब इसकी जो एक है इसके मिलिट्री डायमेंशन, यानी कि वो डायमेंशन जिसमें आप चेक करते हैं कि भाई टेक्निकली चीज किस तरह की है। दूसरा जारी बात है इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन है, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन होती हैं कि भाई ये किस तरह करके काम आएगा, क्योंकि ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये बेसिकली सीरिया के ऊपर भी टर्की जो टर्किश मिलिट्री इस्तेमाल करती रही है, लीबिया पे भी करती रही है, और इसको जो है वो नगोर्नो काराबाग में ये बेसिकली अजरबैजान की भी मदद की थी इन ड्रोन्स ने अर्मीनिया को डिफीट करने में, और ये इसकी जो कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है इस पे काफी ले दे चल रही है।
और इंडिया जो है वो ये लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये एक तरफ तो ये चीज हो गई। अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट आता है वो ये है कि क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएंगे, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होंगे, वर्किंग बाउंड्री पे होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये है एक सवाल। और क्या एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अमूमन भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी वेपन्स, नहीं देने। ठीक है, अच्छा, अमूमन पाकिस्तान, वैसे तो अगर आप माजी में चले जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया का नंबर वन आर्म्स इम्पोर्टर रहा है, ठीक है, तकरीबन एक 10 साल, और ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं वो तकरीबन $100 अरब की इन्होंने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की, टॉप लेवल का जो है वो असलाह खरीदता रहा है। अभी भारत आहिस्ता आहिस्ता वो उसको नंबर दो पे आया है, और मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, बल्कि मैं सुन रहा था कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, वो ये कह रहे थे कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में अपने अमेरिका को, फ्रांस को जो है वो, और रशिया को, बाकी जो ममालिक हैं उन सबको बता दिया है कि हम जो भी ड्रोन्स लेंगे, जो भी सॉरी मिलिट्री हार्डवेयर लेंगे, हम वो चाहते हैं कि आप वो इंडिया के अंदर बनाएं। ये बेसिकली इंडिया एक अपनी जो है इस चीज का फायदा उठाना चाह रहा है कि वो कह रहा है कि अगर मैं आप लोगों से चीजें बनवाऊंगा, आप लोगों से जो कारोबार करूंगा, तो मैं इस तरह नहीं करूंगा कि आप जो है वो अपनी मर्जी करते रहें और हम वहां पे चीजें बनाएं। वो कह रहे हैं आपको जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कह रहे हैं उसके ऊपर आए आप। अब ये जो चीज है बेसिकली, ये ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ऑब्वियसली है कि इंडियन इकोनॉमी से उसको बूस्ट मिलेगा, और इंडियन इकोनॉमी के पास एक जॉब्स दी जाएंगी, या मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो आएंगे। अच्छा, इसमें हमने जो जो मैं पॉलिटिकल नेचर का सवाल कर रहा था कि क्या इंडिया जो है वो अगर ये ड्रोन्स लेता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जाहिर बात है ये उनका ड्रोन है, वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें। और मेरा नहीं ख्याल कि एक नई छोटी सी कंपनी जो आई है, कल उठी है, वो कल को ये कह सकती है, जो जायरोन डायनेमिक्स इंडिया को कह सकती है कि नहीं जी आपने पाकिस्तान पे इस्तेमाल नहीं करना। सो ये होती है दोस्तों, सॉवरन जो ममालिक होते हैं वो अपनी मर्जी करते हैं। अब जो टर्किश गवर्नमेंट है उसने जारी बात है जायरोन डायनामिक्स को ये लाइसेंस तो दिया है कि वो ठीक है एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज को ये बेचेंगे, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि टर्किश गवर्नमेंट जो है वो ये कहेगी कि जी आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो जारी बात है पाकिस्तान के खिलाफ ये ड्रोन इस्तेमाल होगा। सो ये जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप आते हैं तो देन इसकी डायनामिक्स अलग हो जाती है। अच्छा, अगर इंडिया टर्की रिलेशनशिप को देखा जाए तो सारा मीडिया और सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी और कहती है, और खास तौर पे जो टर्की की जो स्टैंड था कश्मीर के ऊपर, कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, और वो खास कर पे यूएन के मुकाम पे लेके, यूएन में जाके, या वैसे पाकिस्तान के वाले से, टर्की ने हमेशा इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कश्मीर के इशू के ऊपर। अच्छा, टर्की और ईरान की दोनों, हालांकि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इशू ऑफ कश्मीर, तो इरानियंस जो हैं, खासकर जो आयतुल्ला खामनाई हैं, वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी लेते हैं कि वो फलस्तीन और कश्मीर को साथ रखते हैं, लेकिन कश्मीर का वो जरूर जिक्र करते हैं। लेकिन अब जो तैयब उर्दगान है, ये इंडिया नरेंद्र मोदी के साथ कहा जाता है कि इनका कोई इतना अच्छा ताल्लुक नहीं है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टर्क्स जो हैं वो थोड़ी टफ लाइन लेते हैं इंडिया के ऊपर, और इंडियंस भी परवाह नहीं करते, और खास करके कश्मीर के ऊपर। और तो अर्दुगान ने कई दफा कहा है कि इंडिया वो मुल्क है जहां पे मैसेकर्स होते हैं मुसलमानों के, हिंदू करते हैं, और इस तरह की चीजें जो है उन्होंने की हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या कोई और जगह हो,
ये जो टची इश्यूज हैं इसके ऊपर वो बोलते रहते हैं, जिसपे शोर मचता रहता है। और इंडिया के अंदर भी ये बात चलती है, इंडिया में बहुत कहा जाता है जी इंडिया ने वो वेस्टर्न लाइन टो की और कहा जी कि इंडिया जो टर्की है वो सीरिया के अंदर इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और इस तरह की चीजें जो है वो। और टर्की क्योंकि अपना सीरिया के साथ बहुत सारी, ये वैसे बात भी ठीक है कि बहुत सारे जो इंटरनेशनली जो दाइश में जो लोग शामिल हुए थे वो वाया टर्की सीरिया में एंटर हुए। और तो इंडिया ने वो लाइन भी लेनी शुरू की। अगर आपको याद हो कि सलमान खान, इमरान आमिर खान सॉरी, वो गए थे टर्की और वो फर्स्ट लेडी से मिले तो इंडिया में शोर मच गया कि ये क्यों मिले उसको जाके, क्या वजह थी, और इस तरह की चीजें जो है वो सारी बातें हुई। अच्छा, पाकिस्तान भी जो टर्किश ड्रोन्स है वो लेना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं